हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द कम्बशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कोक रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कोक इज। ओके, तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। हमारे इसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होंगे, एक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा होगा कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होता है, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। ये 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है। तो अगर 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो भी हमारी हीट लगेगी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड इट्स फॉर्मलाइज क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वेयर सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू इज़ द हीट रिक्वायर्ड एंड एम इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर रेस्ट। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, आइए कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ द हीट रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं यहाँ पे हम, हीट ऑफ कंबशन या फिर हीट रिलीज्ड या फिर डेल्टा एच हीट रिलीज्ड डिवाइडेड बाय मोलर मास बोल देते हैं, मोलर मास या फिर यहाँ पे मास भी यूज़ कर लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ग्राम कोक दिया गया है, ये जिसकी हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो ये मास हो गया, हमारे पास जो ये मोलर मास की जगह पे मास लेंगे यानी 5 ग्राम हो गया। ओके, और हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है पानी की, वो हमें दी गई है 1। हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये हमें 1 दी गई है। और हीट हमारे पास कितनी रिलीज हुई है, हीट हमें पता नहीं है कितनी रिलीज हुई है, तो हम क्यू मेंशन कर देते हैं अपॉन मास ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी था हमारे पास एंड राइज इन टेम्परेचर इज 55 माइनस 10। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 माइनस 10 इज 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 45 एंड क्यू इज 45 कैलोरी। तो हमारे पास 45 कैलोरी यहाँ पे जो हमारी हीट है वो आ गई है। तो अभी हम इस हीट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कैलोरीफिक वैल्यू इज 45 यानी हीट रिलीज्ड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस, ये 5 ग्राम लिया था हमने, तो 9 कैलोरी यहाँ पे, हाँ कैलोरी में दी गई है हमें, तो कैलोरी पर ग्राम। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक वुड बी 9 कैलोरी पर ग्राम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।